Welcome to back to our vlog. आज हम आए हैं बाबा नीम करोरी आश्रम वृंदावन. तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे अंदर आश्रम के. देखिए ये पार्किंग है आगे, आप यहाँ पर इजीली लगाकर और अंदर एंट्री ले सकते हैं. आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है. आज है सैटरडे का दिन, तो हम दिखाते हैं आपको अंदर से. वो सामने है गौशाला, देखिए गौशाला. इधर भी एक मंदिर है, ये मेन एंट्री. यहाँ स्लीपर्स वगैरह मिल सकते हैं. भजन होते हुए यहाँ पर पूरी परिक्रमा है. यहाँ पर राम मंदिर, समाधि स्थल. ये है मेन समाधि स्थल बाबा जी की. ये परिक्रमा मार्ग समाधि की परिक्रम कहिए. ये पीछे बगिया बगीचा. ये तुलसी मैया. जय बाबा. समाधि स्थल के बिल्कुल सामने की तरफ ये है बाबा जी की कुटिया. यहीं पर बैठ के बाबा जी सभी को दर्शन देते थे. ये स्थल है जहाँ पर बाबा जी विराजा करते थे.
ये ऊपर की तरफ कमरे बने हुए हैं अगर किसी को रुकना हो उसके लिए भी यहाँ पर अवेलेबल्स हैं। हमने पता नहीं किया है लेकिन ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर बागवानी देखें कितनी सुंदर हो रखी है। और आज तो क्योंकि वेदर भी अच्छा है तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। यह है शंभुनाथ भोलेनाथ के शिवलिंग। भी गेट बंद हो रखा है यहाँ का। यमुना जी के दर्शन। फिश भी आएगी इसमें। दिल्ली के मुकाबले यहाँ पर क्या फ्लो वापसी में। अब हम रुके हैं राधा रानी भोजनालय। दिखने में अच्छा लग रहा है, बाकी अंदर जाके देखते हैं। काफ़ी सारे स्टॉल हैं यहाँ पर और मौसम का देखिए क्या मज़ा है। रिमझिम बारिश हो रही है। ये रही हमारी प्यारी कार। राधा रानी गार्डन देखो, ब्यूटीफुल गार्डन विद अ व्यू। ये झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों को अगर झूलना हो। अभी तो थोड़ी बारिश हो रही है और इन्होंने हार्ट का वो दिया है पूरा इसको थीम। अंदर जो है वो जो मुड्ढे वाली कुर्सी होती है वो भी लगाई हुई है बैठने के लिए। ये देखिए इस तरीके का अरेंजमेंट है। ये यहाँ का मेन्यू। रेट्स भी जेन्युइन है, ज़्यादा महंगी भी नहीं। थाली का भी ऑप्शन अवेलेबल है। चाय कॉफी जैन का मेन किचन सारा खाना बनते हुए। हम चले बैक टू पवेलियन।